नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। बिछुआ विकासखंड में ग्राम पंचायत पाथरी में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम गुमत्रा पाथरी बंधानमाल पठरा खुर्द नहाजिरी थोटामाला से आदिवासी समाज के बुजुर्ग और महिला पुरुष व बच्चे भी रैली में शामिल हुए थे। बैंड बाजा के साथ डीजे पर आदिवासी लोकगीतों पर नाचते हुए रैली के रूप में गांव का भ्रमण किया। भारत माता के साथ ही समाज के महान वीर पुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर पोस्टर लगाए गए। आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी लोग अपनी प्राचीन वेशभूषा में झूम झूम का नाचते नजर आए। क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस पर हुए कार्यक्रम को लेकर समाजजनों में उत्साह नजर आया है। रैली में आदिवासी समाज का जगह जगह पुष्पमाला से स्वागत किया गया। ग्राम सरपंच श्री सूर्य सिंह उइके जी, बिसेन धुर्वे, बलवंत बड़कड़े, सोहनलाल मर्सकोले, प्रकाश सीलू, प्रभाकर दर्शामा, सोहन भलावी, प्रेम कुमार इनवाती ने कहा कि आज़ादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी देश की मूल आबादी आदिवासियों को आज भी संघर्षशील जीवन जीना पड़ रहा है। आदिवासी समाज के लोगों को अपने हक व अधिकार के लिए आज भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आदिवासियों को संगठित संघर्ष शिक्षित होने की जरूरत है। विश्व आदिवासी दिवस पर्व पर आदिवासी भाइयों ने सामूहिक रूप से विशाल महाभंडारा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज, पितृशक्ति, मातृशक्ति एवं नौजवान बच्चे मौजूद थे। संवाददाता चंचलेश इंदौरकर, चौरई, मध्य प्रदेश। विश्व आदिवासी दिवस में संदेश है समाज को, देश को, हमारे जो युवा वर्ग आज जिले को, आज जो युवा वर्ग भटका हुआ है, उनको भी हम अपने राहों पे लाना चाहते हैं, बिजनेस की तरह जोड़ना चाहते हैं ताकि वो विकास कर सके। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आज आदिवासी दिवस? युवा पीढ़ी को हम रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं जो आज केवल मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरी, जैसे गया सुबह गया शाम तक 200 रुपए कमाया और उसका गलत उपयोग कर रहा है, 200 कुछ नहीं हो रहा, तो वो ऐसा ना करे, कोई टेक्निकल काम करे और कम से कम 400-500 रुपए दिन का कमाए, खुद का व्यवसाय हो, खुद का एक व्यवसाय, और नशा मुक्त करना चाहते हैं हम, हमारे समाज के। और सबसे बड़ा हमारा एक अभियान, अभी हमने करीब 2-3 बैठक लिए हैं, उसमें हम पूरे गाँव को या इस गाँव के आसपास के जितने भी गाँव, उनको नशा मुक्त करना चाहते हैं। इस कार के भी हमने रात में बैठक में यही चीज़ बताई गई हमने। आज जो ग्राम पंचायत पाथरी में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में क्या क्या कार्यक्रम हुआ इसका थोड़ा सा? आज इस गांव के विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में इस गांव में रूपरेखा बनाई गई थी, उस रूपरेखा में 8 से 9 के बीच हमारी पूजन अर्चन होगी, आरती होगी, और 9 बजे हमारी रैली गाँव के लिए निकलेगी, जो पूरे गांव में रैली के रूप में, रैला के रूप में भ्रमण करेगी। इसके पश्चात आसपास के जो भी गांव है, जैसे बंधानमाल, इसी पंचायत, वहां भी इसी के माध्यम से रैली बंधान में भी की गई। इसके बाद इसी पंचायत का एक गांव और है पटरा, वहां भी की गई, और जस्ट बाजू में एक गुमत्रा गाँव है, उस गुमत्रा गाँव में भी रैली, लोगों को संदेश दिया गया कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाएं। उसमें हमारे द्वारा नारे भी लगाए गए कि आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। देश में, भारत देश में, विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिवस हमारे समाज के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे आदिवासी समाज को एक अपने समाज का आकलन, आत्ममंथन करने के लिए अवसर। आदिवासी एक समाज, एक तीर, एक करण। इस दिन हमारे समाज को आत्ममंथन और इसका अवसर प्रदान करने के लिए ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे विशेष रूप से जल, जंगल और के प्रकृति के साथ आदिवासी जो है कैसे मैच करके अपना जीवन यापन करते हैं और प्रदूषण रहित जीवन वातावरण, वो पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं, इस विषय पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने विचार किया। पूरे विश्व में ये जो आदिवासी समाज है, इस समाज के कारण पूरी सृष्टि, प्रकृति का जो संरक्षण हुआ है,
उस पर विचार करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये 195 देश इससे जुड़े हुए हैं और इसकी कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से वो कमेटी हर वर्ष 9 अगस्त को जो है इस पर विचार मंथन करती है कि आदिवासियों जो मूल निवासी हैं इनकी दशा और दिशा कैसी है, ये किस ढंग से अपना अभी जीवन यापन कर रहे हैं, और कि अगर हम आदिवासियों के साथ उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी जो जीवन शैली है जो पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में इसको अगर अपनाते हैं तो हम ये ग्लोबल वार्मिंग है इसको भी हम संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर संरक्षित नहीं करें तो यूएनओ को कहना है कि एक दिन विनाश होगा, विनाश होना संभव है अगर इनकी हम जीवन शैली को नहीं अपनाते, क्योंकि प्रकृति ही जीवन देने वाली दायिनी है और उसी की रक्षा आदिवासी समाज शुरू से आदिकाल से करते आया है और करता रहेगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप ग्रामवासी, नगरवासी और जिलेवासी को क्या समझ? देखिए सर, विश्व आदिवासी दिवस तो पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में मनाया जा रहा है और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 दिसंबर 1994 को घोषणा किया हुआ कि विश्व में जो विभिन्न प्रकार की आदिवासी जातियाँ हैं उनके पिछड़ेपन के, उनकी संस्कृति को, वो क्यों पिछड़े हुए हैं और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसको संरक्षित करने के लिए हमको ये अवसर प्रदान किया गया है बड़े। और हमको यही आज इस समय अभी कि 2 पहले हमारे यहाँ भारत में भी और हर स्टेट में सामान्य अवकाश घोषित किया गया था सभी सरकारों के द्वारा, सभी राज्यों में उनके लिए आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में समान अवकाश घोषित किया जाता था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि विगत कोरोना काल से पहले के जो और अपन ले लें कोरोना काल के समय के पिछले साल अवकाश घोषित किया गया है, हमको कहीं ना कहीं इस बात की कसक सी लगती है कि यार सरकार हमारे साथ कहीं हमारे भेदभाव कर रही है, सामाजिक लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, इससे हम थोड़े से आहत हुए हैं। लेकिन हमारा हौसला कम नहीं हुआ है, हमने विश्व आदिवासी दिवस को बहुत जोशों से बहुत अच्छे से मनाया और आगामी समय में भी हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है और हमारे समाज को हम संगठित करने के लिए कहीं से कार्यक्रम करके एक व्यवसाय की ओर जोड़ना, जो आज तक व्यवसाय से दूर है, जो व्यवसाय से अनभिज्ञ है, सिर्फ मजदूरी करना जानता है, उनको हम उस चीज़ से हटा करके और एक मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज संगठित होगा तो आगे बढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, संस्कृति हमारी संस्कृति को संरक्षित करेंगे हम लोग, जो भी है जल कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृति को बचाना भी है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। संस्कृति काफ़ी कुछ हमारे बीच हमारे समाज में नाचगाने हुआ करते थे, हमारे समाज में जो काफ़ी नाचगाने हुआ करते थे वो भी